नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब 13 लोकसभा सीटों पर होगा सियासी घमासान। दूसरे चरण का मतदान 26 को होगा। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान होने के बाद अब शेष 13 सीटों पर चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। इस दौरान इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के दौरे सरे चरण में यहां होगा मतदान। टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद। राजस्थान में कल से फिर बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 21 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले दो दिन प्रदेश में बारिश आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी। इससे तापमान में अगले 2 से 3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। 21 अप्रैल को प्रभावी होगा। इसका असर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के जिलों में देखने को मिलेगा। जयपुर में नहीं मिल रहे आईपीएल मैच के टिकट्स। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग का आखिरी मुकाबला 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जिसको लेकर क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टिकटों की कमी दर्शकों को हताश और निराश कर रही है। 22 अप्रैल को होने वाले मैच के टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर अब क्रिकेट लवर्स ने सरकार से गुहार लगाई है। डेंट बोले, हमें 500 रुपए में नहीं मिल रहा टिकट, इसे 1200 से 1600 रुपए में बेचा जा रहा। चित्तौड़गढ़ में गरजे योगी, कहां कांग्रेस के समय आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। रोड शो में जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अजमेर बाड़मेर तक चलेंगी 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम रेलवे का राजस्थान को तोहफा। पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के लिए 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें एक ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और बाकी 2 ट्रेनें अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से चलेंगी। पश्चिम रेलवे ने इन 3 विशेष ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल जारी किया है। शाह की राजस्थान में सभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। मोदी जी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया कर दिया। कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। गहलोत सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को आगे नहीं बढ़ने दिया। भजनलाल सरकार ने 3 महीने में ही ईआरसीपी का काम आगे बढ़ा दिया। इस बार सीबीएसई बोर्ड में नहीं होगा टॉपर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों का विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मई माह में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार परिणामों में न तो परसेंटेज, न डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट मार्क्स ही जारी किए जाएंगे, न ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नाम का खुलासा करेगा। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों पर रिजल्ट से संबंधित प्रेशर कम होगा। पोलिंग बूथों के अंदर पहुंचे मोबाइल, ईवीएम पर मतदाताओं के वोट डालते के वीडियो बने। लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शुक्रवार को झुंझुनू जिले के कई बूथों पर ड्यूटी पर लगे कर्मचारी व पुलिसकर्मी मोबाइल का उपयोग करते नजर आए। बिना किसी रोक टोक के मोबाइल का उपयोग करते दिखे। कई बूथों पर मतदाता भी मोबाइल लेकर पहुंचे और किस प्रत्याशी को वोट डाला इसका वीडियो तक बना लिया। कई बूथों पर पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के मोबाइल उपयोग करते हुए व मतदाता के प्रत्याशी को वोट डालने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घी की कीमतों में आया उछाल। गर्मी के तड़के के साथ घी की कीमतों में उछाल से आमजन व विवाह वाले परिवारों की दिक्कतें बढ़ गई है। एक पखवाड़े में प्रति टीन घी की कीमत में 400 से अधिक रुपए व प्रति किलो 50 से 75 रुपए बढ़ोतरी हुई है। सरकारी अस्पताल में निकली भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर ने बाह्य अनुसंधान परियोजना के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती वरिष्ठ परियोजना सहायक, प्रोजेक्ट नर्सरी और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ पदों के लिए निकाली गई है। चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर रखा जाएगा।
पूर्व मंत्री विधायक ने वीडियो में कहा समाज की बैठक नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट ने पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और वर्तमान विधायक हरीश चौधरी को परेशान कर दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि जाट समाज की बैठक में दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश चौधरी को समर्थन दे दिया है। हेमाराम और हरीश चौधरी ने इसे फर्जी बताया है। अजमेर ट्रेन हादसे को लेकर जीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन के मालगाड़ी से टकराने के हादसे के मामले में जांच टीम ने रेलवे जीएम अमिताभ को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में हादसे के लिए 5 कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। रेलवे जीएम ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वाहन चालकों ने यह काम नहीं कराया तो भुगतना पड़ेगा जुर्माना, राजसमंद। जिले में हजारों की संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। स्थिति यह है कि अभी भी कई वाहनों की नंबर प्लेट पर जाती तो कहीं पर समाज का नाम लिखवा अथवा पद का नाम अंकित करा रखा है, जबकि 30 जून के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी हुई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में रेल सेवा के 150 साल पूरे। जस्थान में रेल सेवा के 150 साल पूरे हो गए हैं। ब्रिटिश काल में बांदीकुई कस्बे को सबसे पहले रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। अंग्रेजों द्वारा 20 अप्रैल 1874 को आगरा से बांदीकुई के बीच सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई। रेल का अंग्रेजों द्वारा इतना विकास किया गया था कि आज भी बांदीकुई को रेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी में सिलेक्शन, नाम को लेकर गफलत। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में 470वीं रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट के नाम को लेकर गफलत सामने आई है। इस रैंक पर पास होने वाली कैंडिडेट रतु को किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली माना जा रहा था। किशनगढ़ की नहीं मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर की रहने वाली रतु का सिलेक्शन हुआ है। यह पूरी गफलत कैंडिडेट के नाम के आगे पिता का नाम नहीं होने के कारण हुई। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।